गुड मॉर्निंग एवरीवन, जिम आ गया हूँ और खुशखबरी दिखाऊं आपको, ये देखो फर्स्ट स्नोफॉल, ऊपर ऊपर पीक्स में बर्फ पड़ गई है, फाइनली फर्स्ट स्नोफॉल हो गई है। मौसम भी काफी ज्यादा ठंडा हो गया है अभी, इवन सी जो बाइक पे आया ना मैं, बाइक की सीट पूरी मॉइस्चर से भरी हुई थी, गीली थी पूरी, उसका मतलब ये है कि ठंड बढ़ गई है मनाली में काफी ज्यादा, बाइक पे भी ठंड हो रही थी मेरे को। बाकी जिम आ गया हूँ, जिम के साथ ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। ऑक्सीजन फिटनेस जिम, हाँ जी, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम बैक अगेन टू द चैनल। सो आज की वीडियो की शुरुआत देख रहे हो, थोड़ा सा डिफरेंट से कपड़े पहने, क्यों? मैंने पिछले के लास्ट वीडियो में आप लोगों को बोला था आज आपके भाई का शूट है एक ब्रांड के साथ, तो हम लोगों को निकलना है यहाँ से राइसन में, एक प्रॉपर्टी है निरालिया करके, वहाँ पे ना बहुत बड़ा फेस्टिवल हो रहा है, तो उस फेस्टिवल में क्या क्या चीज़ें होने वाली है वहाँ चल के आप लोगों को दिखाता हूँ। और ज़्यादा देर तो नहीं बैठूंगा वहाँ पे मैं, 6-7 बजे तक मैं शूट शॉट करके ट्राई करूंगा, उससे पहले ही शूट शॉट करके वापस आऊँ और ब्लॉग के थ्रू आप लोगों को मैं चीज़ें दिखाऊँ वहाँ पे कि उस फेस्टिवल में क्या क्या चीज़ें होने वाली है। फेस्टिवल का जो नाम है ना वो है गया फेस्टिवल, ठीक है, GAIA ऐसा ही कुछ नाम है, ठीक है, तो वो फेस्टिवल है। ब्लॉग में तो बने रहो, दिखाता हूँ आप लोगों को मैं। बाकी काम करते ज़्यादा वेस्ट नहीं करते, लेट आपका भाई हो चुका है, जो मेरा वीडियोग्राफर है वो मेरे से पहले पहुँच चुका है, जो कि नितिन मेरे से पहले पहुँचा है, वो शूट शॉट कर रहा है, मैं घर से अभी निकल रहा हूँ, तो एक काम करते हैं ब्लॉग में तो बने रहो, ज़्यादा वेस्ट ना करते हुए ना ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। चलो, अपनी जिप्सी डेंटर के पास है, अपनी पोलो भी डेंटर के पास है, तो आपका भाई निकल रहा है इसुजू लेके, बीस्ट बॉस बोल सकते हैं, बॉस को लेके हम लोग निकल रहे हैं। और अभी ना जो अपना वीडियोग्राफर है नितिन तो पहुंच गया वहाँ पे, मेरे को आधा घंटा लगेगा यहाँ से निरालिया पहुंचने में। इस इवेंट के लिए ना पास चाहिए होते हैं, ठीक है, मतलब हमारे तो पासेस जो है वो ब्रांड ने ही बना दिए है, बट मेरा जो पास है वो मेरे को मेल के थ्रू मिल गया है, पर जो नितिन का पास है ना, नितिन कह रहा है कि उसको मेल ही नहीं आई हुई है, तो अभी ऑन ग्राउंड में जो अपनी ब्रांड की टीम है वो है वहां पे, तो अभी नितिन तो पहुंच गया, नितिन को मैंने बोला कि तब तक वो अपना शूट शॉट जो मेन जो है शूट वो कर लेगा, बाकी जो मेरा शूट होना है वो तो ऑब्वियसली जब मैं पहुंचूंगा उस टाइम ही होने वाला है। और फर्स्ट टाइम मैंने ऐसे कपड़े पहने हैं, कमेंट में बताना पहनने चाहिए, फिर आपका भाई फिर शॉपिंग करेगा एक बार जाके, चंडीगढ़ तो जाना ही है। अभी जाते जाते मैं एक बार आ गया था जिप्सी देखने के लिए, हार्ड टॉप अपना सेट अभी हुआ नहीं है, अभी सिर्फ रखा हुआ है, सेट कर रहे अभी फारूक भाई अपने हार्ड टॉप को, और पीछे वाला शीशा भी टूट गया था, वो भी हम लोगों को ब्रांड न्यू मिल गया है, बोध मोटर, थैंक यू टू बोध मोटर्स, आचो ने मंगा दिया, मतलब पिछले कल एक फोन ही किया था मैंने, उन्होंने बोला था कोई बात नहीं मंगा लूंगा, और सुबह खुद ही फोन कर लिया, कहते आपका शीशा मंगा दिया है ले जाओ फास्ट सर्विस। कोई ट्रैफिक नहीं मिला मुझे, कुछ नहीं, खाली रोड, मतलब ये ना फिफ्थ गियर लगा हुआ है गाड़ी में और इसी गियर में ऐसे चली है इसुजू तब से लेके, मजा आ रहा है स्मूथली। और जल्दी से पहुंच के ना शूट कंप्लीट करना है वहाँ पे, एंड ना वहाँ पहुंच के आपको मैं थोड़ा सा फेस्टिवल भी दिखाऊंगा, ठीक है, जितना हो सके, क्योंकि शूट में ऑब्वियसली बिजी होंगे, बट ट्राई करूंगा, ब्लॉग भी जरूरी है तो ब्लॉग में कवर करूं और आप लोगों को फेस्टिवल के बारे में थोड़ी चीजें बताऊं और अंदर ये भी चीजें दिखाऊं कि ये जो फेस्टिवल है, अगर आप में से किसी ने सुना हो इस फेस्टिवल के बारे में तो अंदर क्या होता है वो मैं आज आपको ब्लॉग के थ्रू दिखाऊंगा, और जिसने नहीं सुना है उनको मैं सब कुछ दिखा दूंगा। फिर चलिए चलते, खुद भी देखता हूँ आप लोगों की क्या बात करूं, मैंने खुद आज तक ये फेस्टिवल नहीं देखा, फर्स्ट टाइम तो मैंने नाम सुना, जब कोलैबोरेशन आई मैंने फर्स्ट टाइम नाम सुना इस फेस्टिवल के बारे में, क्या फेस्टिवल। ये जी फ्यूल अप भी हो चुका है, बिल्कुल ही डेड हो गई थी, ब्लिंक मार रही थी उधर, एंड में पहुंच गई थी। चलिए निकलते हैं, पतली कुल पहुंच गया हूं मैं, यहां से तुम्हें कुछ ऐसे 10-15 मिनट लगने वाले। और बेसिकली जो प्रॉपर्टी है निरालिया बता देता हूं, वो है राइसन में, जहां कैच फैक्ट्री है ना उसके साथ में नीचे एक प्रॉपर्टी निरालिया, वहां पे वो फेस्टिवल हो रहा है। ये रही कैच फैक्ट्री, और यहां से जाना है अंदर, यहां से सीधा आगे ना एक प्रॉपर्टी निरालिया, वहाँ चलना है। हम लोग जो बंदरोल को ऑफ रोड करने जाते थे ना, ये वो वाला रास्ता है बेसिकली। भाई जी मेरे को निकलने दो, निरालिया 600 meters बोर्ड लगा हुआ है, बस ये सामने आ गई है लेफ्ट साइड पे। बेसिकली इवेंट जो हो रहा है ना वो हो रहा है यहाँ पे, ये निरालिया रहा, लेकिन पार्किंग के लिए ना, पार्किंग के लिए आगे जाना पड़ेगा। चलिए, पार्किंग इन लोगों ने शायद से ना आगे अरेंज की हुई है। चलिए जी, हम लोग पहुंच चुके हैं जहाँ पे फेस्टिवल हो रहा है वहाँ पे, ये जो अंदर है ना ये है निरालिया, यहाँ पे फेस्टिवल हो रहा है और बहुत सारी अरेंजमेंट्स की हुई है, एंड ये इन्होंने यहाँ पे पार्किंग अरेंज की है, एंड ये अपनी गाड़ी रही, ठीक है। और यहाँ पे है नितिन भाई, नितिन भाई हाउ आर यू? बढ़िया, करें फिर शूट, बढ़िया सा शूट करते हैं, और साथ में जो अपना माइक है DJI का, ये हमने लास्ट टाइम GB में जो फंग हुआ था वहाँ पे, हम लोगों ने स्की कॉम्पिटिशन करवाया था वहाँ पे, यूज किया था हमने सेम इसी कैमरा में, उससे पहले वर्क करता था, अब मेरे को नहीं पता इसके सेटिंग के साथ हुआ है कुछ या फिर क्या है, फिर से हम इसी कैमरा से कनेक्ट करके देख रहे हैं, सेटिंग ही हो गया आई थिंक यार, ब्रांड न्यू माइक है हमने यूज, मतलब इससे जब लास्ट टाइम हमने स्की कॉम्पिटिशन में यूज किया उससे पहले एक बार यूज हुआ है और प्रॉपर वर्क करता था, ये कैमरा में हमने लगाया एक दो बार तो चला था ये ना, एंड वाले दिन नहीं चला था पहले, देखते सेटिंग इसकी, बाकी अभी थोड़ा सेटिंग वगैरह कर ले हम लोग, उसके बाद चलते हैं अंदर और अंदर दिखाते हैं आपको क्या क्या चीज़ें हो रही है। वैसे आप तो गए अंदर, क्या हो रहा है अंदर? चला है अभी तो, लोग ही आ रहे हैं वैसे, क्या क्या लगा हुआ है? लगे हैं मतलब मेडिटेशन भी हो रही है वहाँ पे, हाँ। कुछ एक अलग अलग सेटअप है,
यार एक्चुअली बताओ मेरे को भी नहीं पता अभी तक माइंड में कि अंदर हो क्या रहा है, मुझे इतना पता है कोई फेस्टिवल है, ठीक है अंदर जाके दिखाता हूँ बाकी चीजें। चलिए जी सबसे पहले जाके अपना जो बैंड है ये देखो दिखा, ये वाला बैंड लेना पड़ेगा मेरे पास, ऑनलाइन मेल है ना, मेल दिखा के ये बैंड लगाना पड़ेगा हाथ में। क्विज मिल चुका है अपने को भी, रिस्ट बैंड सब कुछ इसी से होगा। चलिए जी अंदर एंटर हो गए हम लोग और काफी ज्यादा बड़ा एरिया है और अच्छा डेकोरेट किया हुआ है। फर्स्ट जो हमारा हुक वाला जो हमको वीडियो लेना है, ठीक है जो अपना इंट्रो है वो हम माउंटेन का उसमें जिक्र किया हुआ है, तो वो बेसिकली हम लोग लेने वाले नदी के पास क्योंकि माउंटेन दिखना चाहिए थोड़ा उसमें। भाई इतनी बढ़िया प्रॉपर्टी है ना ये, मजाक नहीं, मैंने निरालिया सुना हुआ था, फर्स्ट टाइम अंदर आके देखो ना इतनी बड़ी प्रॉपर्टी है ना ये और बहुत ब्यूटीफुल है एंड बस रिवर के साथ है। ये देखो साथ में ब्यास नदी चली हुई है यहाँ पे और अभी हमारे पास प्रॉपर स्क्रिप्ट है कि ए टू जेड चीजें उसमें लिखी है हमको, क्या चीजें शूट करनी है, क्या कैसे मतलब मेरे को एक्ट करना है उसमें, हम लोगों को रील जो बना बेसिकली रील देनी है, ठीक है रील में हम लोगों को क्या क्या चीजें डालनी है वो सब चीजें स्क्रिप्ट में है। तो स्टार्टिंग से लेके शूट करते हैं, जो मेन शॉट्स है वो तो 5 बजे के बाद ही होने वाले हैं, अभी 3:30 हो गया, ठीक है 5 बजे के बाद वो आएंगे। अभी जो हमको शॉट्स देने हैं वो सिर्फ 2-3 हैं, वो हम अभी कैप्चर कर लेते हैं। अभी गाड़ी में आ गए हम लोग क्योंकि जो अपना माइक है ना, हम लोगों को माइक की बहुत ज्यादा जरूरत है क्योंकि बोलने वाला शॉट है मेरा और इतने क्राउड के बीच में माइक के बिना वो हो नहीं सकता है। तो अभी कनेक्शन कर रहे हैं, ये रहा मेरा वाला माइक जो DJI का माइक 2 है, आज तक सिर्फ एक बार यूज किया था, उसके बाद दूसरी बार जब यूज किया उसके बाद से चल ही नहीं रहा है। तो अभी हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि वॉइस रिकॉर्ड करें, यूट्यूब में वीडियोस देख ली, हर जगह वीडियोस देख ली, बंदों को फोन करके पूछ लिया बट सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है। तो अभी इसमें ट्रांस रिसीवर होता है जो ऊपर लगाया ना वो वाला, उसमें सेटिंग मैंने छेड़ी हुई है और ये कैमरे को हम कनेक्ट कर रहे हैं उसके साथ, देखते हैं अगर वॉइस आती है तो, अदरवाइज ना नितिन भाई के पास ये पड़ा हुआ है रोड का ये माइक है, बट ये कि ये सारा साउंड कैप्चर करेगा, मेरे को चाहिए सिर्फ मेरा ही साउंड कैप्चर हो, लेकिन ये सारा साउंड कैप्चर करेगा वो फायदा नहीं है। इसमें सिर्फ एक ही माइक है जो यूजफुल है, वो है ये वाला माइक जिसको मैं कॉलर पे लगा के रखूं। बेसिकली जिसके लिए हम शूट करने के लिए आए हैं ना वो है ये देखो, जॉनी वॉकर रिफ्रेशिंग मिक्सर नॉन अल्कोहलिक, बेसिकली नॉन अल्कोहलिक ड्रिंक है क्योंकि जब मेरे को मेल आई थी ना मैंने मना कर दिया था, मैंने कहा अल्कोहल को मैं प्रमोट नहीं करूंगा, तो इसीलिए उन्होंने एक ही चीज़ बोली, कहते अल्कोहल नहीं है नॉन अल्कोहलिक का आपने प्रमोट करना है। हम ना दिन भर से शूट कर रहे हैं, फाइनली रेस्ट करने का टाइम आ गया है, रेस्ट कर रहे हैं हम लोग, ठीक है मजा आ गया काफी ज़्यादा यार। और साथ में यहाँ भाई भी आ गए, हाँ जी भाई भी मिल गए, भाई बुनतर से ही है, यहाँ पे मिल गए। फिर कैसा चला आपका, सुबह से ही हो यहाँ? मैं 12:00 बजे आया हूँ। अच्छा आपका कैसा चला है? बढ़िया चला, कैमरे के साथ ही बढ़िया चला है बोला। बाकी ये कि थोड़ी देर आधा एक घंटा हम और शूट करने वाले हैं, 2-3 शॉट्स रह गए मेन हम लोगों को लेने को, बाकी हमने सोचो 80-85% जो हमारी वीडियोस है वो हमने कंप्लीट कर दी है। अभी 8:30 हो गया है, शूट अभी तक तो कंप्लीट नहीं हुआ है, सिर्फ लास्ट के 2 शॉट्स 3 बचे हुए थे, एक मेरा डांस वाला था जो कि आपका भाई कभी करता नहीं है, मैंने बड़ी मुश्किल से भाई, और मतलब मेरे को इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हुई ना, दिन भर से बोल रहा हूँ मेरे को डांस करो डांस करो डांस वाला शॉट्स ये डांस वाला शॉट्स ये, मेरे से हो ही नहीं पा रहा था। मैंने कहा आप कुछ भी करवा दो, मेरे से एडवेंचर करवा दो, ए टू जेड चीज़ें करवा दो, बस डांस में आपके भाई को बहुत प्रॉब्लम होती है, और वही करवाया फाइनली मैंने कर लिया क्योंकि सिर्फ 2-3 सेकंड का शॉट जोड़ना था, मैंने कहा आप अपने हिसाब से, मैंने उनको 10-15 सेकंड का दे दिया, मैंने कहा इसमें से 2-3 सेकंड निकाल देना। बाकी अभी एंड में शूट करते करते ना माइक डेड हो गया, रिसीवर डेड हो गया और जो हमारा मेन बॉक्स इसका चार्जिंग वाला वो गाड़ी में ही था, तो अभी पार्किंग में आ गया था मैं ये लेने के लिए, बस 20-25 मिनट और शूट अपना कंप्लीट है और उसके बाद घर। गाइस वीर भाई आ गए यहाँ पे, सो गाइस वी आर एट गाया फेस्टिवल इन रायसन कुल्लू वैली एंड रात के 9:30 बज रहे और हम लोगों ने कर दिया है पैकअप, और मैंने इतने टेक ना मतलब अभी इतना शूट किया हम लोगों ने, सबसे ज्यादा टेक लगे लास्ट वाले में क्योंकि बंदे रुक ही नहीं रहे, कभी किसी की शेडो आ रही है, कभी बंदे आ रहे हैं, मेरे मुंह के सामने से आ रहे हैं, मैं लास्ट में जब गेट से एग्जिट ले रहा हूँ उस टाइम पे बंदे आ रहे हैं, तो इस वाले में हमारे कम से कम आई थिंक कितने 10 टेक हाँ 10 टेक हमारे इसमें लगे हुए हैं। फाइनली डे के लिए पैकअप है और जितना शूट करना था वो हो चुका है और अभी चलते हैं घर को क्योंकि 2 बजे से लेकर ना 7 बजे तक हम टाइमिंग्स हमने सोची हुई थी कितना रखेंगे बट अभी 9:30 बज गया है, लेट काफ़ी ज़्यादा हो गया, घर से भी फ़ोन आ रहे कंटिन्यूसली। पतलीकुल पहुँच गया हूँ मैं एंड जल्दी से घर चलते हैं, अब मेरे को इतनी ज़्यादा थकावट हो रही है ना, घर चल के डिनर करने वाला हूँ और मैं फिर सोने वाला हूँ। और एक और चीज़ आपके भाई के साथ हुई है, व्लॉग मैंने शेड्यूल किया हुआ था 7-7 बजे के लिए, ठीक है लेकिन वो 7 PM की जगह ना 7 AM हो गया, अभी मैं चेक कर रहा हूँ, मैंने तब से लेकर चेक ही नहीं किया क्योंकि इतना बिजी था, टाइम ही नहीं लगा मेरे को, अभी चेक कर रहा हूँ तो व्लॉग लाइव ही नहीं हुआ, वो वैसे का वैसे ही है। फिर देखा मैंने, मैं कहा भाई ये तो 7 PM की जगह 7 AM हो गया है, मतलब दिन में डाला था ना तो 7 AM कल सुबह अगले दिन सुबह के लिए हो गया वो तो शेड्यूल।
क्या अगली बार से ये चीज चेक करूंगा। मेरे को लगा था व्लॉग आ गया होगा, मैं एक चेक करता हूँ कितने नंबर पे चला है, कितने व्यूज है। देखा तो लाइव ही नहीं गया है, पिछले कल भी व्लॉग नहीं आया था, क्या करे, क्या किस्मत है। बाकी फारूक भाई का भी फोन आया था, वो कह रहे थे आपकी पोलो भी रेडी हो गई, आपकी जिप्सी भी रेडी हो गई है, ले जाना गा के। मैं कहा फारूक भाई अभी तो पॉसिबिलिटीज है नहीं मेरी आने की, क्योंकि टाइम काफी ज्यादा हो गया है, कल ही लूंगा बेटर है। और दो दो गाड़ियां लेके भी कैसे जाऊंगा, किसी को साथ में लेके आना पड़ेगा मेरे को घर से कि भाई चलो गाड़ी लानी है, दोनों गाड़ियों पर पहुंचानी है। और कल है संडे, कल आपका भाई करेगा घर पे रेस्ट। और थकावट हो गई है मेरे को यार बुरे हाल से, मुझे आंखों में देखो मेरे को ऐसी थकावट हो रही है बैठ बैठ के, क्योंकि ना यार ये जो पार्टीज वगैरह ना ऐसी इनमें मैं जाता नहीं हूँ, पता है आज तक रिकॉर्ड है मेरा, मैं फर्स्ट टाइम गया हूँ शायद से, ये मैं जाता नहीं हूँ, ये तो ब्रांड शूट था इसलिए गया मैं, अदरवाइज तो। शौर्य भी मेरे को कह रहा है, शौर्य ना जस्ट अभी निकला, ठीक है दिन भर से वो आया नहीं, मैं दिन में इसलिए गया क्योंकि मेरे को शूट करना था, वो अभी रात को गया। मेरे को कहता है यार अब तो ऐसे कभी दिखते नहीं थे पार्टी में, आज बोला निकल पड़े। मैं कहा भाई शूट था तब निकला, ऐसे नहीं, ऐसे मैं प्रेफर करता हूँ जिम जाऊँ काम करूँ चुपचाप घर जाऊँ सो जाऊँ, दैट्स इट, मैं यही चीज प्रेफर करता हूँ। भाई बीच हाईवे में रुक के लड़ रहे हैं, देखो यार यार बीच हाईवे में रुक के ना लड़ रहे हैं लोग, तब से हॉर्न मार रहा हूँ डिपर मार रहा हूँ, बेवकूफ कहेंगे जिप्सी और एपिक वाले की लड़ाई हुई है, क्या बेवकूफ लोग है, साइड में तो लगाओ गाड़ी बोलना यार। बाहर लोग होते हैं सीरियसली लड़, ठीक है लड़ाइयां होती है हाईवे में, जब लड़ाई हो रही है अब दूसरों को मत डिस्टर्ब करो, गाड़ियां साइड पे लगाओ बात करो। भाई दो तीन मिनट हो गए हट ही नहीं रहा है, बीच हाईवे में गाड़ी लगाई हुई है, कोई बाय चांस स्पीड में आया पीछे से फिर, और हॉर्न मार रहा हूँ डिपर मारो, कहता भाई एक मिनट एक मिनट एक मिनट वाला। मार्केट में इन्होंने रास्ता ही बंद कर दिया उस साइड वाला जो ऊपर को रामबाग चौक को जाता था, पता नहीं क्यों काम गुम चला होगा शायद से। नहीं दोनों गाड़ियां देखने के लिए मैं रुक गया था भाई, यहाँ पे काम कितना पहुंचा है, जिप्सी भी हो गई है पोलो भी हो गई है, पर जिप्सी में मेरे को थोड़ी कमी दिख रही है, तो बेटर ये है कि कल मैं सुबह पहले फारूक भाई को फोन करूँ और ये चीज़ बोल दूँ कि ये चीज़ें जो रह गई है ये कर लो, फिर मैं जिप्सी लेके जाऊँगा। घर पहुँच गया मैं ना, और वहाँ भी पार्टी चली हुई भाई, ये देखो फुल ऑन पार्टी, जहाँ पे बेचारे पार्टी, बाकी ऑफिस बंद हो गया है तो इसुजू को मैं अभी के लिए यहीं पे पार्क कर दूंगा ऐसे रोड में ही, गाड़ियाँ अपनी दोनों तो नीचे है तो इसको सुबह पार्क करेंगे ऊपर, और पापा भी आ गए थे, पापा से अब केटीएम लॉक नहीं हो रही, हाँ पापा को केटीएम चलाई नहीं आई थी, पता पापा ज्यादातर स्कूटी चलाते हैं। ये काम करते हैं आज के ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं, आपको मिलते हैं कल एक फ्रेश ब्लॉग के साथ, और कल है संडे कल रेस्ट होगा। Minimum stress, that's your best, classic grass.